अस्सलाम वालेकुम जी पेटगुरु जान तो तुम खुशामदीद कहना तो उम्मीद करदा कि सारे दोस्त खैर खैरियत ना हो गए। तो दोस्तों अज मेरे नाल मौजूद ने नौशेर साहब। तो आइए ना तो जानते हैं कि इन्होंने जानवर का शौक कितों तो शुरू किया तो कि शौक चल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल चाल? सर ठीक अलहमदुलिल्लाह। सर सारे तो पहले मैं दस जाओ कि तुम बुली का शौक अपना जरा कितों तो कर रहे हो? सर असी तकरीबन 25 साल हो गए ना, तो साढ़ा शौक है तो बस मुड़े नाल का मतलब हिसाब किताब चलता हूँ वी पच्ची साल तो मतलब शुरू है तो वी पच्ची साल मतलब काम चलता पे तो साढ़ा शौक है तो इस तरह मतलब गल चलती होंगी है। सर मैं अपना थोड़ा जानवर के बारे दस जाओ कि ब्लड लाइन है तो कितों जानवर बिलोंग कर गया? अपने को मतलब साढ़े वड़कियां को मतलब कुत्ती कुत्ता उस अगर मुड़ा सा मतलब वो शौक बनाई रखी उगा ही अगर टुरी आँदी है तो उगा ही साढ़े को इब्तदा तो असा होर ना कोई ब्लड लड़ाया तो ना मतलब कोई साढ़े को होर है इसे अपने ब्लड दे हैं ते अपने मतलब असी अपने शौक बनाए रखते हैं। इहदा कोई लिटर वगैरह सूआ वगैरह लिया जे कि नहीं हाले? ये हाली छोटी बच्ची है ना, मकसद इहदी हाली उम्र नहीं उस हिसाब विच आई ते होर महीने दो ताईं इस आ जाना है ते अगे इहदी माँ प्यो आ उह मतलब चले गए जाया हो गए मगरू इहदे मतलब दो भाई रखे ने। अच्छा जी। ते तीसरी ये है। बिलकुल पूरी पूरा जेड़ा है ना बुली निजाम है। सर थोड़ा जिहा खुराक दे बारे च इन्हां दी गल कर ले जांदे आ कि खुराक दे विच तुसीं इन्हां नूं की पा रहे हो की दे रहे हो? सर असीं इन्हां नूं सुबह जड़ा है इन्हों का नाश्ता चूरी छूरी ना ही करा लेंदा है जो नाल चूरी बना ली तो मतलब दुध पा लिया फिर मतलब कोई गोश्त लिया कीमा शीमा करा के वह पा लिया कुछ जड़ा है नाल मतलब थिदा थुदा उ दे लिया कढ़ाई बना के खवा ली दुध इन्हों सुबह शाम लाजमन पाना हों जी तो इस तरह ही मतलब मुझे ना को टीका शीका लवाई रखा मतलब बीमारी के हिसाब न अल्लाह पाक का बड़ा करम है तो इस मुड़ खुले जगह होंगी है साढ़े को हाँ खुले जानवर आते हैं वैसे तौर तो किसी बन दिते नहीं तो खुले जानवर बड़े होंगे जी कोई मसला नहीं ना शरीफ बड़े कुत्ता वेखन तो बहुत मतलब सीनियर हो जाते हैं लेकिन उंजे बड़े फिट रहते इंसानों मतलब कुछ नहीं कहते इंसान कुछ भी नहीं आखना बिल्कुल महफूज रहना अपने माल के बैठे रहना। हाँ तो सर थोड़ा जहा मैं दस दे जाओ इन्हों की दूसरा वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन इन्हों कि बारी कराई है तो कितों तो करवानी स्टार्ट की थी? ये जी तिना महीने तो पहले पहले असं कराने मुड़ छः महीने तो बाद करा लिया तो मुड़ मतलब साल तो उत्ते हो गया साल तो बाद करा लिया मुड़ जैसे कमी पेशा महसूस हो उस मुड़ जैसे मतलब डॉक्टर ने फोन चेक किया जी आप चला गया उत्तर जाके दवाई लिया टीके लिया तो वो जाके मतलब इस्तेमाल कर लै साढ़े उंज भी वैसे तौर पर मतलब फिट रहते हैं जी साढ़े को जगह खुले महफूज रहते कुदरती माहौल खुले माहौल के आते जी उन्होंने कोई मसला नहीं ना गर्मी महसूस होंगी पानी पुनी के लगे वत्ते या मतलब है तो उस वास्ते जेडे बड़े फिट रहते जी। तो सर थोड़ा जहा मैं दस दे जाओ कि सर जी गल कुदरत रहन या उधर रहन जानवर जो बीमारियां लाजमी तौर पर लगती हैं तो फेस करने भी मिलती हैं तो तुम हाली तक कोई जानवर लैके बीमारी मिली हो ऐसी जी मतलब लगी हो? सर सानू तो हाल की घड़ी तो 25 साल हो गए 25 साल 25 साल हो गए लेकिन सानू कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिस न मतलब कुत्ता जाया हो गया हो अल्लाह पाक का बड़ा करम शुरू तो ही मतलब असं रखते हैं तो थोड़िया दिनों के पहले छोटे होंद थोड़ी थोड़ी खुराक देनी होंगी जी उस वास्ते दुध तो बीमारियां ज्यादा फैलदियां तो दुध जड़ा है वह मतलब उस हिसाब ना पाना चाहिए जानवर के हिसाब न मुड़ो जगर दुध ज़्यादा पाइए तो बीमारी ज्यादा फैलती है जगर दुध पूरा पाइए तो मुड़ मतलब जो व्डे हो जाए मुड़ दुध जितना पाई आओ उस हिसाब उम्र के हिसाब न कोई मसला नहीं बनता अगर छोटे होवे तो मुड़ उस बीमारी ज्यादा फैलती है। अच्छा मैनू थोड़ा जहा दसो कि अगर मतलब एक छोटा बच्चा दो तीन महीनों का तो वह कि मतलब एक नवा शौक करने वाला बंदा जो कि मतलब खुराक वगैरह दे
सर उस तरह यो ही है, मतलब छोटा बच्चा हो तो उन्हें मतलब थोड़ी थोड़ी खुराक जिमें जिमें उनकी पावर वधी आवे एवं उनकी खुराक वधाई हुई वे, लेकिन बच्चे के हिसाब नाल उन्हें खुराक देनी चाहिए है। बच्चे दू खुराक वो मतलब उनकी ताकत वादू देवी है तो वह मतलब उनका रिजल्ट गलत आता है, तो लत्तां डिंगियां कर जाता है, उनका वजन पै जाता, पेचस लग जाते, मतलब उस हिसाब न खुराक दो जानवर फिट रहा है, बच्चा ही फिट रहा है, महफूज रहा है। इस तरह है जिम्मे बंदे दे बच्चे होंगे, मसलन इंसान अमान का मतलब यही है, मतलब इन्होंने हिफाजत होनी चाहिए, हिफाजत तो सिवा नहीं रह सकते, सब तो अच्छी है खुराक ना इन्हों की हिफाजत, खुराक भी है लेकिन इन्हों की हिफाजत जी इन्हों की जरूर लाजमी होनी चाहिए, हिफाजत तो सिवा नहीं रह सकते। सर थोड़ा जहा मैं दस दे जाओ कि जिहड़े हाली तक तुसी इन्हां दे सूए लीटर ले ने, बच्चे ले ने, वो सेल परचेज भी कर रहे हो या गिफ्ट ही दे रहे हो? नहीं सर, असीं गिफ्ट ही दे छड्डे, यार दोस्त बेली जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं गिफ्ट दे छड्डी, लेकिन ये असां सेल नहीं कीता, सेल नहीं कीता, शौक अपना खड़ा रखिया, सेल नहीं कीता, ते ना करन दी शौक है बस, सेल नहीं करना, लेकिन असीं इस तरह ही आए, मतलब अपना एक जिम्मेदार है इसे, तो उस हिसाब ना मतलब ध्यान दप्पा भी माल का भी, तो मतलब शौक भी, तो सारा सिलसिला चलता है। सर मैं थोड़ा जहा दस जाओ कि एक बुली का बच्चा वो प्योर पहचान किदा की जाए, कि प्योर किदा वा, प्योर है भी है कि नहीं है? सर वो मतलब अपना बच्चा जेड़ा भी होवे, मतलब वो दिस जाता है थोड़े दिनों तो बाद ये बुली का है, ये डगदा है, ये गोल्टरीए का है, या ये कट्ठ है, या इनके झो वगैरह, या शिकारी या कोई मिक्सिंग है, लेकिन वो अपने आप ही बच्चा दस देता, शौकीन भी पहचान कर सकता है, हाँ शौकीन भी पहचान कर सकता है, लेकिन बच्चा भी अपना मतलब रिजल्ट दे सकता है, हाँ जेड़ा जानवर ठीक हो अपना ठीक रिजल्ट देता है। अच्छा अगर इसकी कीमत के बारे में गल कर ली जाए, किसी दोस्त हजार ने अगर परचेज करना हो किन्ने तक लग जाता बुली का? सर इनका बुली का बच्चा मतलब छोटा जहा बच्चा भी लीए ना, तो मतलब अगे भाई जहाज उ मतलब मैं अक्सर कुत्ती सवाई आ 25-30 हज़ार का मतलब बच्चा मतलब शौकीन को मिल जाता है, लेकिन हर बंदा अपने ब्लड का बच्चा अगर दे भी नहीं सकता, वह खास बंद मतलब जो खास लगता तला कला मतलब वो। अच्छा एक होर गल मेरे सुननी चाहिए कि मतलब जो अच्छी ब्लड लाइन होंगे जंगी ब्लड लाइन होंगे उन्होंने बच्चों जोड़ा वा लोग मोस्टली ना सेल करते ना बहर कटते, यदि की वजह? सर ये मुड़ अगर मतलब शौकीन की होंगी आपू अपनी हिसाब किताब, शौकीन मुड़ो ज़्यादा तौर पर अच्छे ब्लड न पसंद करते हैं, तो अच्छा ब्लड जो मुड़ शौकीन के बड़े पसंद होंगे, उस वास्ते मुड़ो इंज हों मुड़ शौकीन शौकीन मतलब तलक तलक बेस से जोड़ा है ना अपना हिसाब किताब बड़ा ही रख दे। जबरदस्त है, जबरदस्त है। सर थोड़ा जहा मैनूं दस दिओ इन्हां दी सिलसिले दे बारे च, इन्हां दी एक्सरसाइज तुसीं किन्नी कराउंदे, किन्नी वर्जिश करवाउंदे इन्हां नूं? वर्जिश दा तां कोई नहीं जी, असीं इन्हां नूं मतलब सुबह सुबह इन्हां नूं टोरा दिवींदा है, जंगल में स्कूटर ते लै लिया छड़ लिया नाल, ते फिर टोर लैंदा, फिर जनाब इन्दा इस तरह कीता इन्हूं मतलब कोई गुटिया छुटिया, फिर इस तरह मतलब कोई मालिश मुलिश च कीती, ते मतलब एक अद्धी वारी नवा छड्या, तेल ला छड्या, मतलब इन्हें पट मल लए, जिस समय इन्हें मालिश की उस हिसाब न मुड़ो कुत्ता फिट रहा, एक बंदा आप ही मतलब टूरे तो थक जाता है, तो जो इन्हों टोर के लै आना उदों इन्हों की मतलब कुछ थोड़ा जहा मालिश करनी पी, इन्हों की सेवा करनी होंगी, उस हिसाब न फिट रहते हैं जी। हाँ जी जबरदस्त जबरदस्त। सर थोड़ा जहा मैं दस जाओ कि अगर एक नवा शौक करने वाला इंसान अनाड़ी बंदा है, खाली उन्हें शौक अपना जो वा शुरू किया वा शुरू आता, तो वो बुली कुत्ते मतलब किदा रखे, किदा उसकी देखभाल करे, तो की जड़ियाँ वा चीज़ा तुम उन्होंने कहना चाहोगे कि वो ऐड करे? सर उस तरह ही होंगे जो बंदा नवा शौकीन बनता है उन्होंने मतलब पता नहीं होंगे किसी कोई दस दिता किसी कोई दिता, लेकिन उनकी इस सब तो अच्छी चीज़ यही है उनकी मतलब सेवा यही है, उन्होंने खुराक अपने टाइम पर दे, उनकी सफाई रखे इतू मतलब जगह साफ रखे, गर्मी के ठंडे स्थान पर बावे, सर्दी के मतलब अंदर बावे उन्होंने सर्दी घट लगे, तो मतलब खुराक अपने टाइम पर दी जाए तो इंशाल्लाह ताला बड़ा फिट रहा सी जानवर, उन्होंने कोई मसला न बन सी। तो सर वीडियो के अख्ताम के मैं तुम्हें कहना चाहवागा कि अगर तुम शिकारी भाइयों के नाम को पैगाम देना चाहो तो जरूर।
ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਜੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨੁਸਰਤ ਅੱਜ ਨੁਸਰਤ ਜੱਪਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਗੂ, ਮਤਲਬ ਨਾਸਿਰ ਹੈ ਜੱਪਾ ਮਲਾ ਮਲਕੇ ਮਲਕੂ ਕਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੂ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਯਾਦ ਜੱਪਾ ਹੈ, ਇੱਦੂ ਸਰਗਾਣੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜੱਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਜਗਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸੇ ਜੀ, ਅੱਗੂ ਚੌਰੀ ਅਸਲਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਲ ਵਾਲੀ ਚੁਰਜੋਕਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਰਾਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਕਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖਤਤਾਮ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।